नमस्कार। भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपादंकर 150तम जन्म जयंती वर्ष पूर्ति अवसर में स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा श्रीक्षेत्र कार्यक्रम सामिल होगापी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आसी श्रीक्षेत्र गस्तरे गत काली आसी पहुंची थिले महाप्रभु को दर्शन कले एवं आज श्रील प्रभुपादंकर 150तम जन्म जयंती रे जो उद्घाटन समारोह हम से उद्घाटन समारोह रे सामिल हे महामहिम राष्ट्रपति एवं ए अवसर रे श्रील प्रभुपादंकर जो जन्मस्थान रही श्री चैतन्य गौड़िया मठ जोठी की तांकर जन्म होता श्रीक्षेत्र बड़दांड पाखरे से अवस्थित रही से मठ जहाँकि श्रीमंदिर अनति दूर रही से गौड़िया मठ जोठी की जन्मस्थान श्रील प्रभुपादंकर सेठिकी महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जीवे तांकर जन्मस्थान को दर्शन करिवे तो यह आमर ये स्वतंत्र कार्यक्रम गौड़िया मठ रे महामहिम सकाळ 10टा समय महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गौड़िया मठ में पहुँचे स्वल्प समय कार्यक्रम रही जेहेतु गौड़िया मठ एक महान परंपरा को वहन करुच्ची से श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वतींकर जन्म होता जे कि गौड़िया मिशन प्रतिष्ठाता थिले। आज सारा विश्व रे गौड़िया मिशन 5000 टी स्थान रे विश्वर विभिन्न देश रे आज कार्यरत तार मुख्य उद्देश्य होची भगवान श्रीकृष्णक नाम भगवान श्री जगन्नाथंकर नाम प्रचार करिबा तंकर महिमार प्रचार करिबा एवं से कार्य रे गौड़िया मिशन एवं गौड़िया मठ सारा विश्व रे कार्य करुची एवं श्रील प्रभुपाद जे कि 1874 मसीह श्रीक्षेत्र से गौड़िया मठ एवं जोठी अछि सेठारे ही तंकर जन्म होइथिला तंकर आविर्भाव होइथिला 2024 मसीह तंकर आविर्भावर 150 वर्ष पूर्ति होची किंतु ए जो 150 वर्ष पूर्ति उत्सव को 3 वर्ष व्यापी पालन करा जिवो गौड़िया मिशन पक्षर अर्थात 2022-24 पर्यंत पालन करा जिवो फेब्रुआरी 21 तारीख होची जन्म तारीख तो से ये स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जाई श्रद्धा बाली रे उद्घाटन समारोह अनुष्ठित हेबो जो थे कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का समेत सारा देशर विभिन्न स्थानर गौड़िया संप्रदायर बहु संख्यार साधु संत से उपस्थित रहिबे एवं ये कार्यक्रम ना केवल श्रीक्षेत्र ना ओडिशा सारा भारत वर्ष पाई एक चर्चार विषय पलटि एवं महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गत काली श्रीमंदिर जाइले पहुँचवा पर श्रीक्षेत्र महाप्रभु को सपरिवार दर्शन करते महाप्रभु प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर एक स्वतंत्र श्रद्धा स्वतंत्र भक्ति रही जितेबले गौड़िया मिशन पक्षर ए प्रस्ताव तक जाता जे उद्घाटन समारोह सी अतिथि भाव मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे तत्क्षणात से राजी हो जाते खुशी प्रकट करते आउ एक सौभाग्य मिल श्रीक्षेत्र को जाकि महाप्रभु को दर्शन करने अवसर में तो राजभवन रे रात्रि जापन कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजभवन निकट रू जोड़ी होती आम प्रतिनिधि कालूचरण कालूचरण कौन खबर अच्छी केतेबले राजभवन रु बाहर राष्ट्रपति गौड़िया मठ अभिमुखे निश्चित भाव शक्ति साय जो जो भी भाव में गत कालीर कार्यसूची थी गत काली जिते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आसिकी राजभवन निकट में पहुँचले किसी समय अतिवाहित करने पर जगन्नाथ मंदिर जाए महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करते भाव में आज दिन 10:35 गौड़िया मठ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुँचवार कार्यसूची रही है पखापाखि 10:30 समय राजभवन छाड़े राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो ब्लू बुक क्यारिकेट रही
क्यारिकेट माध्यम ब्लूबुक सिक्यूरीटी माध्यम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ही गौड़िया मठ में पहुंचे जहाँकि कार्यसूची अच्छी से राजभवन निकट में अच्छा राजभवन चित्र देखा संपूर्ण प्रस्तुति पूरा शेष पर्यायर जिते ब्लूबुक सिक्यूरीटी माध्यम जो राष्ट्रपति गति करेंगे जिते से ही गौड़िया मठ को से गाड़ी गुड़िक संपूर्ण भाव में पूरा प्रस्तुत हो सारी समस्त अधिकारी आसी पहुंची सारी जो राजभवन निकट में आम अच्छा जब रात्रि जापन करते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गत काली रात्रि जापन करते जहाँ सूचना आते ब्लूफ्लुक बीच पर समुद्र उपभोग करते परवर्त समय रात्रि जापन करते रात भोजन ही राजभवन ही कर सूचना आसला और आज जिते दसटा पैंतीस गौड़िया मठ जो जगार गौड़िया मठर श्री चैतन्य गौड़िया मठ में जोगदेवर कार्यक्रम रही पखापाखि दसटा पैंतीस समय राष्ट्रपति क्यारिकेट राजभवन निकटर बाहर और दसटा पैंतीस पखापाखि गौड़िया मठ निकट पहुँच परवर्त समय पखापाखि दस मिनट धरी गौड़िया मठ में कार्यक्रम शेष होगापर कहु जहाँ दसटा पैंचाश्रे स्वतंत्र क्यारिकेट माध्यम से गौड़िया मठ पुणी ब्लूबुक सिक्यूरीटी माध्यम राष्ट्रपति क्यारिकेट गुंडीचा मंदिर अर्थात शरदा बाली निकट में पहुँच और पखापाखि एगारटू बारटा पर्यंत जो स्वतंत्र सभा रही है अभिभाषण रखी पारती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से स्वतंत्र व्यवस्था कर संपूर्ण भाव में पूरी सहर में पुलिस साउंड रही प्रत्येक जगह गुड़िक ब्लक कर जो रास्ता दे कि राष्ट्रपति राजभवन जो अभिमुखे गौड़िया मठ अभिमुखे बाहर सुभाष छक ब्लक कर दि जाए मेडिकल छक को ब्लक कर दि जाए बरदाण्डे अर्थात ग्रांड रोड जो रही ग्रांड रोड में संपूर्ण जो गई गुड़िक रही जो गुड़िक बरदाण्ड को संजोग रही से संपूर्ण ब्यारिकेड माध्यम आबद्ध रही जिते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिते गस्त करेंगे गौड़िया मठ को किभ भाव में प्रोटोकल भंगन हो अर्थात कह जो क्यारिकेट माध्यम जो राष्ट्रपति गति करेंगे से समय जमी कौन विभ्राट न सृष्टि हुए से पुलिस पूरा संपूर्ण भाव प्रस्तुत रही है प्रत्येक छक पुलिस पैंतरा मारे एवं जेहतु अल्प किसी समय रहा अर्थात कहुपे आउ पखापाखि घंटे समय रहा राष्ट्रपति राजभवन छाड़े गौड़िया मठ अभिमुखे बाहर और दसटा पैंतीस समय पहुँचे से पुलिस प्रथम पर्यायर पेट्रोलिंग अर्थात किभली भाव में गाड़ी गति कर प्रस्तुति पूरा कर सारी अपेक्षा केवल राष्ट्रपति राजभवन छाड़ी गौड़िया मठ में पहुँचवार ओके शक्ति साई तो तार प्रतीक्षा रस्त कालूचरण आम प्रतिनिधि जो भाव में सूचना दूसरे कि दसटा तीस समय बाहर राजभवन रु दसटा पंचतीस गौड़िया मठ में पहुँचवार कार्यक्रम रही दस मिनिट्र से कार्यक्रम भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद जन्मस्थान दर्शन करने सहित पुणी दस मिनिट पर बाहर श्रद्धा बाली अभिमुखे कारण श्रद्धा बाली रे ए जन्म देढ़श वर्षर जो जन्म जयंती कार्यक्रम रही अनुष्ठित हो उद्घाटनी समारोह अनुष्ठित होटी विशाल सभार आयोजन करा एक घंटार कार्यक्रम रही राष्ट्रपति श्रद्धा बाली जो सभा अनुष्ठित हो समारोह अनुष्ठित हो श्रद्धा बाली आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र से सभास्थल अच्छा गौड़िया मठ निकट अच्छा आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष मु आलोक आपण पाक जावाक चाहिए आउ कम समय रहा देढ़ घंटार कम समय रहा जिते बड़े राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति आसी पहुँचे गौड़िया मठ परिसर में तो गौड़िया मठ को से किभली प्रस्तुत करा एवं जो दस मिनिट्र जो रही कार्यक्रम गौड़िया मठ में राष्ट्रपति से दस मिनिट भितर कौन करेंगे शक्ति साई श्री चैतन्य गौड़िया मठ संपूर्ण प्रस्तुत आपको मुझे पूरा पूरी दृश्य प्रथम देखा चाहिए जेहेतु आम श्री चैतन्य गौड़िया मठ सम्मुखें रही एठार आप देखुंट जेहेतु महामहिम राष्ट्रपति दसटा पैंतीस श्री चैतन्य गौड़िया मठ को आसबे भक्ति सिद्धांत जी रही श्री चैतन्य गौड़िया मठ में जी जन्मग्रहण करते भक्ति सिद्धांत शहे पचासतम जन्मवार्षिक उपलक्षे एठार भक्ति सिद्धांत प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण देवे निहाती भाव में मठ तरफ समस्त प्रस्तुति शेष हो मठ सुसज्जित फुलर मध्य सज्जित हो कड़ा सुरक्षा व्यवस्था को संपूर्ण कड़ाकड़ी कर मठ रे जो गौड़िया मठ हो किंबा गौड़िया मिशन हो जो कर्मकर्ता माने अच्छा से माने मध्य संपूर्ण रूपे शक्तिशाली प्रस्तुत रही आप सीधा सख दृश्य देखुंत वर्तमान श्री चैतन्य गौड़िया मठ सम्मुखें आम अच्छे समस्त प्रस्तुति पाखापाखि अंतिम पर्यायर पहुँची केवल अपेक्षा रही महामहिम राष्ट्रपति गस्त को और जिते बड़े महामहिम राष्ट्रपति दसटा तीस राजभवन छाड़े और स्वतंत्र क्यारकेट जोगे ब्लू बुक सिक्यूरीटी अनुजाई यही गौड़िया मठ में ही पहुँचे आम आलोचना करा आम सहित मैं किसी सन्यासी अच्छे आज्ञा के खुशी आप बर्तमान महामहिम राष्ट्रपति आसे दसटा पैंतीस दसटा पैंचाश एठार रही
कौन सब विशेष कार्यक्रम एठार रही देखु राष्ट्रपति ये माने गोटे निजस्व इच्छा निजस्व खुशी निजस्व उद्दीपना आम्भ मानक उत्साह को एत मात्र बढ़े वर्णनातीत किंतु करोनार कटकणा को जगि रखी आमको पालन करवाक पड़ी 40 जन मात्र राष्ट्रपति जिते आसवे आश्रम मठ भितर 40 जन उपस्थित रे जो मानक ना माने प्रशासन को आगतरा दि जाए एसत राष्ट्रपति 10:30 ये पहुँचुंट 10:30 पर ठीक आरती करेंगे भगवान आरती करेंगे पुष्पाजलि प्रदान करेंगे प्रदान कलापर प्रायत 10:50 से मठ छाड़े छाड़ी जी सीधा शरदा बाली से 10:50 रु 11 पर्यटन ग्रीनरूम रही विश्राम रही 11 बेले मंच को उठे 11:01 जातीय संगीत गान कराब पर 12 पर्यटन राष्ट्रपति रे आम कार्यक्रम भक्ति सिद्धांत जी श्री चैतन्य गौड़ी मठ से जन्मग्रहण करते तत्व विचारधारा नीति आदर्श से अनेक लोक अनुप्राणित होते तत्व को विशेषकर महामहिम राष्ट्रपति उद्भवन देवे श्रद्धा बाली देखु भक्ति सिद्धांत मान सिद्धि अंत हूँ सिद्धांत जो भक्तिटार सिद्धांत पहुँचवा से नाम ही सार्थकता तो भक्ति कौन ताल प्रभुपाद जगत को देखिए जाइए तो ये हूँ जन्मस्थान मुझे कही रखी जिते सी 6 मास जगन्नाथ रथ आसुले ये रथ से अटिकी गला रथ अटिकी गला माँ शिल प्रभुपाद माँ नहीं कि जो जगन्नाथ दर्शन करूँ जगन्नाथ गलू प्रसादी हार गलू जा शिला सीधा शिल प्रभुपाद गलार पड़ा तेणु समस्त जानले ये दिन ना दिन सारा विश्व को चमत्कार कारण भक्ति सिद्धांत वैष्णव धर्म कि प्रचार प्रसार अति व्यापक मात्रा रे करथिले देखंतु भक्ति सिद्धांत ठाकुर पिता होंगे भक्ति विनोद ठाकुर बा केदारनाथ तो सी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे श्रीमंदिर भद्रक हाईस्कल प्रथम प्रधान शिक्षक भाव से कार्य करते केन्द्रापड़े कार्य करते इंग्रेज गवर्नमेंट से बहुत कार्यक्रम कर सी जो भक्ति सिद्धांत जी तो सी गोटे ये विचारधारा परिपृष्ट कले सी मत सरस्वती उपाधि पाई ज्योतिष शास्त्र में मतलब विशारद थे सबू छाड़ी वैष्णव धारा को किभली भाव में प्रकाश कर वैष्णव धारापी चेषित थे आथम मठ जदि कहीं तोली था शिल प्रभुपाद आज जोटा कि नदिया नवद्वीप प्रथम मूल मठ से शिल प्रभुपाद कारण सी देखिले वास्तविक स्वाधीनता तो यही नुहे जे आमको अमेरिका शासन करें ताकू छाड़ीद स्वाधीनता नुहे कि आम जदि आम मन अनुसार कम नक आम जो संसार को आसी से आम निजक निजे चिन्हा मु किए यही प्रश्न जब आम पाखे उत्तर आसीज प्रभु श्रीकृष्ण व्यापक मात्रा में प्रचार प्रसार भक्ति सिद्धांत करते किसी ग्रंथ रचना करते जहाँकि सुदूर इंग्रजी भाषा हो फ्रांस भाषा हो सबकि लिखाई था ग्रंथ आपण सज्जन तोषणी ग्रंथ बैक टू गॉड हेड तो विभिन्न प्रकार ग्रंथ आ गए कथ उपदेश विभिन्न उपदेश छल शिल प्रभुपाद आम ये समाज वैष्णव सभ्यता को जगन्नाथ संस्कृति राधाकृष्ण संस्कृति किभली भाव गोटे प्रिंसिपल देखु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूर्व बहुत संप्रदाय बाहर था कि जो वैष्णव जिमिकी ठीक भाव में पृष्ठपोषकता कले ना तो धरी दिंतु जो आचार विचार आचरण आ उच्चारण तादरे किसी तालमेल ना जो आम जो दंड धरी ये जो सन्यासी धर्म जो प्रवर्तन करेले जगद्गुरु श्री प्रभुपाद के खुशी महामहिम राष्ट्रपति आगमन को नहीं हाथ में किसी समय रहा कि महामहिम को स्वागत आमर समस्त भक्त मैंने सारा विश्व आसी समस्त बहुत एक्साइटेड अच्छा तो कल से परिक्रमा करुले आमर तोटा गोपीनाथ पाखु जा समुद्रकूल पटे मेराइन ड्राइव दे कि बड़दाण्ड दी आसिले प्रायत 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर्यंत लंबा लाइन लगी तो आज से बहुत ही एक्साइटेड किंतु करोनार दुखर करोना दुखर से मात्र 600 लोक एलाउ कर मुझुच्छी जदि करोना न था प्राय से 60,000 भाई आधुनिक जुगे पाश्चात्य सभ्यता को समस्त भूली जाऊँगी भक्ति सिद्धांत जो आदर्श रही युवपीढ़ी मैंने विशेषकर अनुप्राणित हवा कथा निश्चित निश्चित आम मैंने तो कही रख आम तो युवपीढ़ी तेणु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से समस्त को लेकिन ये वैष्णव धर्मटा को प्रवर्तन कर देखिए या भितर आम भितर गोटे भावना थाए जे जड़े ये वैष्णव हम जड़े साधु हम कि नपारे हम तेणु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जे हाइली क्वालिफाइड थे गोटे आध्यात्मिक भावना रहा आवश्यक रोचे निश्चय 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 ता सहित
ଆମର ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଡକ୍ଟର କିଏ ଏମବିଏ କିଏ ଏମସିଏ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ଗୋଡ଼ିଆ ମଠର ତ ସିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ତେବେ ଆଲୋକ ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଠ ପରିସରକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ରହିଛି କି ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଠ ପରିସର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ଟିକିଏ ମନରେ ଭୟ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମଠକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମଠରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଠ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍ଖନାଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ପରିସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପୁରୀ ସହରରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସହରରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି କାରଣ ସନାତନ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିବା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିତରକୁ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ମାହୋଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ରହିଥିଲା ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ଗୋଟେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ପୁରୀକି ହେଇଥିଲା ସେଇଭଳି ଆଜି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚୈତନ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀକି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଗତକାଲି ଠାରୁ ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି କାଲି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଯେଉଁ ମୋ ଯୋଗୁଁ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ପୁରୀବାସୀ ହିସାବରେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଆଜିର ଯେଉଁ ପୁରୀର ମାହୋଲ ଏ ଟୋଟାଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ ଚୈତନ୍ୟମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଯେ ମହାମହିମ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ମଠ ଏବଂ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେପଟେ ଶରଧାବାଲି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଠରୁ 10:35ରୁ 10:45 ଅର୍ଥାତ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଠରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଶରଧାବାଲି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଶରଧାବାଲିରେ ପାଖାପାଖି 11:00 ଦିନ 12:00 ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର କିଭଳି ବିଚାରଧାରା ଥିଲା ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବେଶନ ଡାକି ମୋଟାମୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଜନ୍ମର ଏବଂ ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୌଡ଼ିଆ ମିଶନ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର ତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଅବସରରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି କାରଣ ଖୋଦ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରେ ଯେଉଁଠିକି ଏ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସଭାସ୍ଥଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେଠି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆଜି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଗୌଡ଼ିଆ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଧାବାଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 10:45ରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ପରିଦର୍ଶନ କଲା ପରେ
सीधासलख यही सभास्थल को आसबे जोठी कि प्रभुपद गोस्वामी जो स्वतंत्र कार्यक्रम रही आम कार्यक्रम विषय अधिक आलोचना करवा आम सहित उपस्थित अच्छा भक्ति गौरव मधुसूदन महाराज आम सहित उपस्थित अच्छा आसतु तक सहित सीधासलख आलोचना करवा कार्यक्रम विषय जाणी आज्ञा आज आपण मैंने 150तम जन्मवार्षिकी पालन करे गौड़ीय मिशन आरंभ करते जी ताक सृष्टि करते समग्र विश्व केमी प्रचार हो पार से प्रयास करते तेज कौन आज सब कार्यक्रम रही राष्ट्रपति आसुचर आसवर उद्देश्य कौन ता विषय विस्तृत बरण 150तम जन्मवार्षिक उत्सव मानव राष्ट्रपति ए पुरुषोत्तम धाम को आसुंच पुरुषोत्तम धाम आसी नित्तला प्रश्न विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर जन्मस्थान को जिबे से जन्मस्थान नाम श्री चैतन्य गौड़ीय मठ जेतेबेले सेठा को जिबे आमर सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद पुष्पमाल्य अर्पण करिबे अर्पण करी मंदिर उपरक नेबे मंदिर उपरक नहीं मंदिर रे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन दर्शन करिबे एवं चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करिबे राधा कृष्ण को दर्शन करिबे तापर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कर आलती करिबे आलती करी सेही स्थान रु आलती करी सेही स्थान रु एठा को आसिबे आमर मठरे 10:35 समय पहुँचे से 15 मिनट रही यही आसी यही जे चैतन्य महाप्रभुंकर जे शुद्ध बाणी से बाणी यही प्रवचन करिबे एठारे साधु संथ मेलरे जे भक्तिमूलक कथा चैतन्य महा शिक्षास्तव माननीय राष्ट्रपति यही आलोचना करिबे ये भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर ये पुरुषोत्तम धामे आविर्भूत होते जेतेबेले महाप्रभु षड़ गोस्वामी अप्रकट हो गले सेतेबेले संसारे अंधकार हो गला विभिन्न अपसंप्राय ये विभिन्न अपसंप्रदाय बाणी प्रसार कले से बाणी को शुद्ध बाणी प्रचार करने शुद्ध कथा जे चैतन्य महाप्रभु शिक्षास्त कथा प्रचार करने भक्ति विनोद ठाकुर और भगवती देवी माता को अवलंबन करी भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर जो ठारे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ होई से स्थान रे आविर्भूत हेले आविर्भूत जेतेबेले हेले प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर एठारे गोटे वर्ष मात्र रहिले जेतेबेले तांकु 6 मास हेला सेतेबेले एई पुरुषोत्तम धामे रथयात्रा हेला रथयात्रा जेतेबेले हेला सेतेबेले तीनोटी रथ आसी चैतन्य गौड़ीय मठ दुआरे रहिगले एवं जेते चेष्टा कले मध्य से रथ आग को गला नाही नजीवा सत्वे एठारे भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ मंदिर एडमिनिस्ट्रेटर रूपे काम करूथिले निर्देश रे से श्री चैतन्य गौड़ीय मठ दुआरे तीन दिन व्यापी संकीर्तन हेला हेबा मध्ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती बयस सेतेले 6 मास थिला तांकर माता भगवती देवी तांकु कोळे करी जेतेबेले रथ उपरे उठाई देले सेतेबेले भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर जगन्नाथ आलिंगन कले जगन्नाथ जो आलिंगन ये महिमा वर्णना करथुले श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत किभली भाव महिमा थिला जो थी कि श्रीजी रथ अटकी जाइथिला बड़दांड रे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ सम्मुखरे जो कथा वर्णना करथुले एवं आउ कम समय रहिला 10:30 समय बाहर राजभवन 10:45 पहुँचे श्री चैतन्य गौड़ीय मठरे
ସେଠି 10-15 ମିନିଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ 9:50 ବାହାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲି ଅଭିମୁଖେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରେ 11-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଯେଉଁଠିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୌଡ଼ୀୟ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇଛି ଏବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରଖିବା ନମସ୍କାର।